आज मैं अपनी वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, ये दौरान हमल एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, दैट इज़ वॉमिटिंग एंड नोजिया इन प्रेगनेंसी। इज़ वॉमिटिंग एंड नोजिया इन प्रेगनेंसी इज़ नॉर्मल और नॉट? डेफिनेटली इट इज़ नॉर्मल। इसको हम मेडिकल की कंडीशन में जो है, इसका जो दूसरा नाम है हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई भी जो पेशेंट है, प्रेग्नेंट लेडी है, अपने फर्स्ट ट्रेमेस्टर में एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग के साथ आती हैं। अब ऐसा होता क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल हार्मोन्स का लेवल है वो अप एंड डाउन होता है। अब होता क्या है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में बीटा एचसीजी का लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। नॉर्मली जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि 48 आवर्स के बाद ये डबल हो जाता है, और नॉर्मली 10 वीक्स तक ये बढ़ता है, ये पीक पे जाता है, और उसके बाद जो है आफ्टर 12 वीक्स प्लेटू पे और कम होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ वाई कि वॉमिटिंग एंड नोजिया इज़ वेरी कॉमन इन फर्स्ट ट्रेमेस्टर। अब क्या हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए? डेफिनेटली इसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई औरत है, वो बहुत ज़्यादा सारी बात, अगर वो नोज़िया और वॉमिटिंग की कंप्लेन करे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से उसकी बॉडी में फ्लूइड्स की जो है वो कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, नमकियात की कमी हो सकती है, अल्टीमेटली उसमें वीकनेस हो सकती है और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो डेफिनेटली हमें इसे ट्रीट करने की ज़रूरत है। अब ट्रीटमेंट में बात करते हैं, तो हमने सबसे पहले इसमें जो है मोस्टली पेशेंट्स को जो है वो विटामिन प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज डॉक्सिलामीन, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। ये आमतौर पर हम खवातीन को जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन कुछ खवातीन में इससे भी आराम नहीं आता। उनमें हमने क्या करना है? उनमें हमने जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, दैट इज़ मेटोक्लोप्रोमाइड या ऑनसेट, जो आमतौर पर जो हम वॉमिटिंग के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा अगर किसी औरत को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है, पानी की कमी हो गई, तो उसमें हमने उन्हें जो है वो फ्लूइड्स लगाने हैं, हमने जो है नमकियात को रिप्लेस करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉमिटिंग एंड नोज़िया इन प्रेगनेंसी। थैंक यू सो मच।